है आपका हमारे YouTube चैनल RM Celebrities पे। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान जी का आज 3 जुलाई सुबह मुंबई में हुआ निधन। मौत की वजह कार्डिक अरेस्ट बताई जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट भी करवाया था जो कि निगेटिव आया था। वो 72 ईयर्स की थी। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय, जूही चावला, कंगना रणावत, रानी मुखर्जी जैसे कई बड़े कलाकारों को उन्होंने डांस सिखाया था। ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम निर्मला नागपाल था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया था। उनके पिता का नाम किशन चंद सिंह था और माता का नाम नोनी सिंह था। उन्होंने 2000 से ज्यादा गानों में बतौर कोरियोग्राफर करके काम किया था। उनकी हिट फिल्मों के नाम टाल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तेजाब, जब वी मीट, तनु विट्स मनु, देवदास, सिंगम, मिस्टर इंडिया, चांदनी, नगीना, डर, बाजीगर जैसी कई हिट फिल्में। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म नजराना में काम किया था और बतौर कोरियोग्राफर उनकी पहली फिल्म थी गीता मेरे नाम, जो 1974 में आई थी। उन्हें देवदास, सिंगम, जब वी मीट ये 3 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा तेजाब, सैलाब, बेटा, खलनायक, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, गुरु जैसे फिल्मों के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। लगान फिल्म के लिए तो उन्हें अमेरिका के बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। उनकी फैमिली लाइफ देखें तो उनकी पहली शादी उनके डांस गुरु सोहन लाल से हुई थी जब वो सिर्फ 13 साल की थी और उनके पति 40 साल के। इस शादी से उन्हें एक लड़का और एक लड़की है। लड़का राजू खान माँ की तरह ही फेमस कोरियोग्राफर है। ये शादी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और 1965 में उनका डिवोर्स हो गया। इसके बाद उनकी दूसरी शादी सरदार रोशन खान के साथ हुई। उससे उन्हें एक बेटी है जो दुबई में रहती है और डांस एकेडमी चलाती है। उन्होंने कई रियलिटी शो में बतौर जज करके भी काम किया है, जिसमें बूगी वूगी, नच बलिए, उस्तादों के उस्ताद, झलक दिखला जा, नच बलिए और आजा नचले जैसे शामिल है। ऐसे महान कोरियोग्राफर का चला जाना बॉलीवुड के लिए एक निश्चित ही बड़ी हानि है। इनके योगदान को फिल्म इंडस्ट्री हमेशा ही याद रखेंगी। दोस्तों, सरोज खान जी के लिए हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।